अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार कलेजी। इंग्रेडिएंट्स: कलेजी 1/2 kg, हरा धनिया 1 कप कटा हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद कटी हुई, प्याज कटा हुआ 1 अदद, कसूरी मेथी पानी में भीगी हुई 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर स्लाइस में कटा हुआ 1 इंच का पीस, गरम मसाला 1 टीस्पून, 3 टमाटरों का पेस्ट, ज़ीरा और साबुत धनिया 1 टीस्पून, टर्मिक 1/2 टीस्पून, साल्ट टू टेस्ट, खटाई पाउडर 1/2 टीस्पून, ऑयल 1 कप। सबसे पहले हमने कढ़ाई में 1/2 कप तेल डाला है और उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 2 टेबलस्पून। इसको हम फ्राई करेंगे। आपसे ये बात कि अक्सर कलेजी पकाते हुए यानी हार्ड हो जाती है, तो आप फ्रेश कलेजी लें। ये देखिए मैंने कलेजी डाली है और इसमें ग्रीन चिली 1/2 जो कप था वो डाल दें, क्योंकि हमने 1 कप काटी हुई है, 3 से 4 काटी हैं, तो तकरीबन हमने इसमें 3 अदद अभी डाल दी। और अब हम इसको फ्राई करेंगे इसके कलर चेंज होने तक। आप कलेजी को बारहा ना धोया करें, कटाई से पहले ही धो लिया करें इसको, नहीं तो ये हार्ड हो जाता। कटने से पहले ही इसको 3 से 4 बार धो लिया करें और पानी नहीं ऐड करना। पानी ऐड करेंगे तो आपकी कलेजी सख्त हो जाएगी, जबकि कलेजी बहुत जल्दी कुक हो जाती है, लेकिन अक्सर हम इसको बहुत टाइम लगाकर हार्ड कर देते हैं। ये देखें कलेजी को मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ लहसुन अदरक के पेस्ट में। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ, मैं इसमें से 1 पीस लूँगी। ये देखें मैंने 1 पीस लिया और ये मैं आपके सामने इसको काट रही हूँ देखने के लिए कि अंदर से हुई है कि नहीं। ये देखें, नहीं अभी देखें पिंक है, अभी नहीं, अभी हम इसको और पकाएंगे यहाँ तक कि इसके अंदर का कलर चेंज हो जाए। देखिए बूटी तो गल गया, फिर चेक करूं। ये देखें इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। देखें ये मैं एक और आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें गल गई हैं, मैंने 10 मिनट तक इसमें फ्राई किया और ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। और अब आई थिंक ये तैयार है। इसको अब हम ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कलर इसका चेंज हो गया। अब हमने इसको निकाल लिया है एक बॉल में। अब हम इसके मसाले को तैयार करेंगे, क्योंकि 1/2 कप तो हमने पहले ही तेल का उसमें शामिल करा और 1/2 कप हम अब इसमें डालेंगे। ये हमने डाला प्याज डाला और प्याज को इसमें थोड़ा पकाएंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, हमने प्याज को इसमें नरम करना है, यानी कच्चा भी नहीं छोड़ना, इसको हम पकाएंगे। ये देखें हमारा प्याज तैयारी की तरफ है। ये देखें नरम हो गया। ये हमेशा मीडियम फ्लेम रखें। और अब हम इसमें रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, हल्दी 1/2 टीस्पून, और ये हमारा क्या ज़ीरा और साबुत धनिया कुटा हुआ। अच्छे से हम इसको भूनेंगे। टमाटो पेस्ट 3 अदद टमाटो को हमने पेस्ट कर लिया, देखें ग्राइंड किया हुआ है, इसमें ऐड करेंगे। नाउ वी कुक। अब हम इसको पकाएंगे उस वक्त तक कि इसके मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये टाइम तकरीबन ले लेता है, इधर 2 से 3 मिनट हमने इसकी पकाई करनी है, ताकि हल्दी और
रेड चिली पाउडर का कच्चापन दूर हो। अब इसके अंदर हमने ये 1 कप वाटर हमने इसमें डाला ताकि जो प्याज है थोड़ा गल जाए, और अब हमने इसको छोड़ दिया। हमने जो कलेजी निकाली है कढ़ाई में से, उसके अंदर हमने टमाटर, हरा धनिया और स्लाइस किया हुआ अदरक डाला है। टमाटर भी हमने स्लाइस करके डाले। ये देखें आपके सामने, अब ये देखें, ये 5 से 6 मिनट के बाद मैंने ओपन किया है, और ये देखें हमारी प्याज तकरीबन गल गई है। और आप अब इसके अंदर हम मज़ीद मसाले डालेंगे। गरम मसाला हमने डाला 1 टीस्पून, और इसी स्टेज पर हम डाल देंगे कसूरी मेथी जो हमने पानी में भिगोई थी ताकि वो साफ़ हो जाए, मिट्टी वगैरह निकल जाए। अब ये देखें कसूरी मेथी इसके अंदर गई, मिक्स किया अच्छे तरीके से, तकरीबन हमारा मसाला तैयार है। और अब हम ये जो हमने अलग से टमाटर स्लाइस करके, हरा धनिया और जिंजर बारीक काट कर यानी अदरक इसमें डाली थी, वो अब इसमें ऐड करेंगे। ये नहीं, हमने ऐड किया, अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखें हमारी कलेजी मसालेदार तैयार है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरीके से बाय गॉड आपकी कलेजी कभी हार्ड नहीं होगी, आप पका कर देखें। अब इसके अंदर हमने इस स्टेज पर साल्ट यानी नमक, ये मेरे पास खटाई पाउडर है, ये हमने 1/2 टीस्पून डाला है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें, छोड़ दें। और ये नमक डाल दें, ठीक है। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, अच्छे से मिक्स किया, और अब हम इसको कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए एट लो फ्लेम यानी हल्की आंच पर, यानी दम वाली कंडीशन होगी इस वक्त। अब ये हमारी तैयार है कलेजी, मसालेदार कलेजी तैयार है, ज़रूर पकाएं, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखें हमारी कलेजी तैयार है, खाएं, इंजॉय करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।